नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया। और आजकल कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच में हम सब लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं और मैं भी लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। अपने समय का सदुपयोग करते हुए दोस्तों आइए सुनते हैं इटावा दंगल की कहानी। बब्बू खलीफा यानी प्रशांत रोहतगी कुश्ती दंगलों में एक जाना पहचाना नाम है। दोस्तों एक दिन दिल्ली में हो रहे एक भारत केसरी दंगल में मैंने बब्बू खलीफा को कहते सुना कि चाहे मुझे हाथ में कटोरा लेकर लोगों के घर घर क्यों ना घूमना पड़े, पर मैं कुश्ती दंगलों की परंपरा का अंत नहीं होने दूंगा। और उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया भी। उन्होंने दिल्ली देहात में बहुत से दंगल कराए, लेकिन वो इटावा के सहसो गांव में दंगल करा सकते हैं ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। और ऐसा हुआ भी। बब्बू खलीफा और उनके मित्रों द्वारा इटावा के सहसो में दंगल कराने की कहानी ये बड़ी रोचक है। दोस्तों इसका एक किरदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी दंगल देखने गया था। तो आइए देखते हैं इटावा दंगल की ये कहानी। दोस्तों इटावा दंगल की इस कहानी की परतों को जब हम खोलेंगे तो आपको चंबल नदी और उस पर बने स्वर्गवासी सिद्ध बाबा के स्थान पर हो रहे मेले और कुश्ती दंगल की कहानी की तह में जाना होगा। चंबल नदी की कहानी सुननी होगी, बहुत लाजवाब है और दोस्तों ये अच्छा भी है। और दोस्तों हम अपने देश के अद्भुत परंपराओं को कुश्ती दंगलों के माध्यम से जान भी सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने अभिशाप के कारण चंबल नदी देश की आज सबसे साफ सुथरी नदी है। अगर ये नदी नहीं होगी तो गंगा का पानी इलाहाबाद से आगे भी नहीं जा सकता। यही नदी उत्तर प्रदेश में मऊ के आसपास जमुना में मिलती है और जमुना के पानी को स्वच्छ रूप देकर आगे बढ़ाती है और फिर गंगा में मिलती है और इस तरह ये पानी आगे बढ़ता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था चंबल नदी के अभिशाप की। बड़े अभिशाप रहे, कहते हैं कभी इसके किनारे जानवरों को मारकर सुखाया जाता था और जब इन जानवरों का खून नदी में मिलता तो नदी अपवित्र हो जाती। इसी वजह से शायद इस नदी का नाम चर्मावती भी रखा गया था। कमाल की बात यह है कि इसके ठीक उलट आज ये नदी बिल्कुल स्वच्छ और पोल्यूशन फ्री है। किंवदंती ये भी है कि एक राजा ने यहाँ बहुत से जानवरों की बलि दी थी जब उसने एक यज्ञ कराया था जिसमें गाय भी थी, और गाय का खून नदी में मिल जाने से नदी अपवित्र हो चुकी थी। फलस्वरूप किसी ऋषि ने चंबल को हमेशा अशुद्ध रहने का श्राप दिया था। फिर एक बार कलयुग की लीला देखिए, इस श्राप और मान्यताओं की वजह से यह चंबल स्वच्छ और पोल्यूशन फ्री नदी है। दोस्तों चंबल नदी के श्रापित होने का पुराणों और महाभारत में भी उल्लेख है। मुरैना के आसपास इसी नदी के किनारे किसी स्थान पर शकुनि ने जुए में पांडवों को पराजित कर दिया था और द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का दुस्साहस हुआ था। चीर हरण के बाद द्रौपदी ने श्राप दिया था कि इस नदी का पानी कोई नहीं पिएगा, अन्यथा उसका बड़ा अनिष्ट होगा। और जब इस पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसके किनारे कोई गांव या शहर नहीं बसा। साथ ही चंबल नदी जो आप देखेंगे तो जमीन के नीचे से काफी गहराई में और भीड़ों के बीच में से होकर बहती है। दोस्तों इन्हीं भीड़ों का इस्तेमाल कभी डाकू भी छुपने के लिए करते थे, कभी स्वतंत्रता सेनानियों ने भी छुपने के लिए किया। दोस्तों बताया जाता है कि शराब के चलते फूलन देवी ने इन भीड़ों में कई दिन बिना पानी के गुजारे और फिर अंत में फल सरेंडर का निश्चय किया, जबकि चंबल का पानी पीकर उसके कई साथी तुरंत मर गए। दोस्तों आज इस नदी में खतरनाक मगरमच्छ भी पाले जाते हैं। कुल मिलाकर चंबल नदी को अभिशाप मिला, इनके बीहड़ बड़े कुख्यात रहे, लेकिन फिर भी आज इसमें चाहे मगरमच्छ हो चाहे मछलियां, ये जीवन से भरी पड़ी नदी है, बह रही है। और मैं तो कहता हूँ कि ये अभिशाप ही इसके लिए वरदान साबित हुए। अगर ये साफ नदी ना हो तो गंगा इलाहाबाद से आगे कैसे बढ़े। चंबल की कहानी यूं ही नहीं कही दोस्तों मैंने, चंबल नदी के किनारे पर ही एक शांत सुरम्य इलाके में एक मंदिर है। उस मंदिर में कभी एक सिद्ध बाबा रहा करते थे। उन्होंने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए बड़े तप किए।
आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद में मंदिर पर एक मेला लगने लगा जो आज भी लगता है। उसी मेले में एक दंगल भी होने लगा जो आज भी होता है। बब्बू खलीफा जब मंदिर के दर्शन को आते तो वो दंगल को भी देखते, तो उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर एक बड़ा दंगल हो और अपने मित्रों सुरेंद्र काली रमन जी तिवारी जी की बदौलत उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा दंगल लगाया, जिसे देखने के लिए दिल्ली से मैं भी पहुँचा। दोस्तों, दिल्ली से मेरे साथ पत्रकारों का एक दल भी पहुँचा। हम लोग बड़ी हंसी खुशी अपनी गाड़ी से फिरोजाबाद में हम लोग रुके। मैं अपने दोस्त कमल के यहाँ रुका और वहाँ रात को ठहरा। सुबह मैंने कपावली के अखाड़े पर भी गया, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। फिर अगले दिन हम लोग इटावा और फिर वहाँ से चंबल के लिए प्रस्थान कर गए। जब हम दंगल के ग्राउंड में पहुँचे तो हमने व्यवस्था का जायज़ा लिया। दोस्तों, दंगल की व्यवस्था में बब्बू खलीफा कभी भी कसर नहीं छोड़ते। तो दंगल जहाँ पर होना था वो बाबा सिद्धनाथ मंदिर का प्रांगण था। एकदम JCB से सब कुछ क्लेम किया हुआ था और ये बीहड़ का एरिया है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर दंगल का मैदान है उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ सी हैं, जिन पर बैठ जो एक अपने आप में एक स्टेडियम सा बना रही थी क्षेत्र को। और दंगल भी जहाँ पर मिट्टी थी बहुत बेहतरीन थी, उसके चारों ओर लठ गाड़ के रस्सियाँ से कवर किया हुआ था ताकि लोग अंदर न जा सके। फिर एक तरफ को आप देखेंगे कि भाई मंच भी बनाया हुआ था। और जहाँ दंगल का जो मंदिर का प्रांगण था, साथ में मंदिर जो है उसमें पहलवानों के रहने खाने की बेहतरीन व्यवस्था थी, लंगर चल रहा था। स्वयं मंदिर के महंत इसकी जिम्मेदारी लिए हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उनसे मुलाकात हुई, चाय पानी पी हमने साथ में, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। दोस्तों, दंगल को चंबल केसरी नाम दिया गया था। देश भर से पहलवान आए थे, विदेशी पहलवानों को भी बुलाया गया था। विदेशी पहलवानों के साथ एक हादसा हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब विदेशी पहलवान नई दिल्ली स्टेशन पर पहुँचे, उन्होंने इटावा के लिए टिकट लेनी थी, तो टिकट लेते समय जब पहलवानों का सामान उन्होंने एक जगह रखा हुआ था और वो चारों तरफ खड़े थे अपने सामान के, लेकिन इस बीचों बीच में से एक चोर ने अटैची उठा ली और संयोगवश उस अटैची में उनके पासपोर्ट थे, पैसे थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। My name is Ghulam Raza Muazzam. Before Punjab coach, but yesterday I came here, station, railway station. Railway station I stay for 30 minutes, but we together stay. One time see other, see my bag, no. I said, my bag, he said, no problem. Go. One chore coming. Two passport. Visa and everything. Money no problem. Money no problem. Only passport. Yeah, that passport. मेरा नाम भैया है। हम आए थे, अपना अपना बैग रखा पास में, लड़का थोड़ी देर बैठा रहा कुर्सी पे, थोड़ा सा सरकता का फिर हमने देखा उठ के फिर वो वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद हमने से एक साइड में खड़ा हुआ, इतने में एक लड़का आया उसकी पैंट मार रहा था, उसने बैग उठाया और पहलवानों के साथ जो खलीफा गुरु थे उन्होंने कंप्लेंट भी की, लेकिन कुछ भी हासिल न हो सका। दोस्तों, दंगल में शिक्षा, राजनीति और कुश्ती से जुड़े हुए बहुत सारे सम्मानित लोगों ने शिरकत की। बब्बू खलीफा ने उन्हें सम्मान सहित मंच पर बिठाया और जब उन्हें मान सम्मान के लिए बुलाया गया तो अखाड़े के बीचों बीच, समस्त जनता के बीचों बीच लाकर उनका मान सम्मान किया गया। बब्बू खलीफा ने सभी पुराने गुरु खलीफाओं, मौजूद लोगों, मुख्य अतिथियों, राजनीतिक हस्तियों, पुराने पहलवानों सबका पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर, मोमेंटो देकर मान सम्मान किया। दोस्तों, दंगल में पत्रकारों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, जिनमें कुछ दंगल कमेटी के लोग थे या पहलवान थे या इस तरह के कुश्ती प्रेमी थे जो तैयारी और कुश्ती खेलने आए हुए थे। उन्होंने पहलवानों के बारे में जानकारी दी, दंगल की क्या क्या तैयारियाँ कैसे कैसे हो रही हैं, क्या क्या इंतजाम हैं, तो आप भी देखिए वो लोग क्या कहते हैं। रणजीत जी, ये बताइए जिस तरह यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं और कल से क्या दिन का लिए यहाँ पर जो दंगल है? दो दिन का दंगल और यहाँ बैरिकेटिंग भी हो रही है, जो है पहलवानों के लिए कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़ा बनाया गया है, मुख्य अतिथियों के लिए भी मंच बनाया गया है,
कितने लोग आने की आशंका है यहाँ पर? आशंका यहाँ तो 20,000 लोग आते हैं। क्या कुछ रहता है यहाँ पर? मेला लगता है, महिलाएं कब आती हैं, पुरुष कब आते हैं, और क्या क्या? दो दिन दंगल में पुरुषों का रहता है, दो दिन रहती है महिलाओं का मेला। कल के दिन क्या होगा, कितना? कल के दिन कम से कम 20,000 आदमी की भीड़ होगी और 100 से कुर्सियाँ भी होंगी, परसों भी होंगी। इस विशेष दंगल की बात की जाए, बहुत प्रमुख दंगल है उत्तर प्रदेश का ये, तो यहाँ पर जो बात की जाए, साल में एक बार होता है, हर 6 महीने में? नहीं नहीं, साल में एक बार सिर्फ महाशिवरात्रि के लिए। तो मुख्य अतिथि की बात करें तो कौन कौन यहाँ आता है? इलाके से भी आते हैं, बार बार से? नहीं, बाहर से बुलाते हैं, दिल्ली से आते हैं, हमारे सांसद जी प्रेमदास जी कठेरिया और शिवमय दुबे जी, सावित्री कठेरिया, रूबी यादव, गोल्डनपुरी बाबा जी और बब्बू खलीफा जी, मनोज तिवारी, वो पंकज तिवारी जी, रामचार पोरवा जी, सब मुख्य अतिथि। अच्छा, जब दंगल होता है तो जितने यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं उनको क्या कुछ इनाम दिया जाता है, जीतने वालों को या हारने वाले को भी दिया जाता है? नहीं नहीं, जीतने वालों को इनाम दिया जाता है, जो बराबर होता है उसमें समित का एक हिस्सा समित का होता है और दो हिस्से होते हैं पहले। अच्छा, एक बात और पूछा जाता हूँ, एक जंगल के अंदर भी जंगल है चारों तरफ, एक बसावट भी, एक गाँव की बात करें तो दूर है सहसो थोड़ा यहाँ से, तो सिक्योरिटी का क्या विशेष प्रबंध किया गया है यहाँ पर? यहाँ 5 थाने की पुलिस लगाई जाती है, पीएससी की भी व्यवस्था है, मतलब सुरक्षा के तौर पर कोई वैसी कोई बात नहीं, बढ़िया सुरक्षा होती है। अच्छा, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो कैट्स एम्बुलेंस भी होती है और सीसीटीवी कैमराज भी लगाए जाते हैं, क्या इस तरह की भी सुविधा यहाँ पर है? नहीं, एम्बुलेंस वह होती है, सीसी कैमरे तो नहीं लगते, लेकिन पुलिस की व्यवस्था होती है। यदि कोई जो यहाँ पर जिस तरह यहाँ आते हैं पहलवान दूर दूर से, कोई बात होती है तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पुलिस का विशेष प्रबंध है? विशेष। बहुत सुंदर आज का आयोजन रहा और सारे ही पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान और नेशनल पहलवान, जितने भी अच्छे पहलवान आए हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाबला लड़ा और सभी लोगों ने बहुत ही सराहना की और सभी छोटे बड़े लोगों ने सहयोग भी करा और दंगल आज का बहुत ही अच्छा रहा। आज जैसे कि हमने एक नई चीज़ देखी दंगल में, पॉइंट के आधार पर दंगल करवाई गई, तो इसमें जो गांव के लोग हैं उनका कैसा रुझान रहा? गांव के लोगों को पहली बार पॉइंट की कुश्तियां देखने को मिली तो उन्हें अच्छा तो लगा, लेकिन उनके समझ कम आ रहा था, लेकिन कोच ने और जो दिल्ली से आए हुए रेफरी कोच वगैरह थे, उन्होंने कोऑपरेट करके और सही तरीके से समझा के लोगों को समझा दिया, वो भी कुश्तियाँ लोगों को अच्छी समझ में आई। करीब आज कितनी कुश्ती हुई होगी? आज करीबन 200 कुश्तियाँ हुई। कहाँ कहाँ से पहलवान? ये पंजाब से, एमपी से, राजस्थान से, दिल्ली से, छत्रसाल स्टेडियम से, गुरु हनुमान अखाड़े से, ईरान से, और ये सारे इंटरनेशनल, नेशनल पर, पंजाब से, यूपी के बहुत पहलवान थे, लोकल यहाँ के बहुत पहलवान थे, सभी अच्छे लड़कों का मुकाबला हुआ आज। तो आज जैसा कि महिलाओं की कुश्ती नहीं हुई तो कल भी ऐसा ही रहेगा कि महिलाओं की कुश्ती? कल महिलाओं की कुश्तियाँ होंगी, कल दोपहर 2 बजे के करीब लेडीज़ महिलाओं के और गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान आ रहे हैं, उनकी कुश्तियाँ होंगी यहाँ देखने को। क्या इनामी राशि रखी गई है या जो पहलवान दूर से आए उनके रहने की खाने की व्यवस्था कैसे? सारे ही पहलवानों को गेस्ट हाउस, होटल में, इटावा में, सभी जगह ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ बाबा सिद्धनाथ पे भी व्यवस्था है और आगे शहर में भी व्यवस्था है, सभी लोगों ने उनकी व्यवस्था कर रखी है, रहने खाने की कोई दिक्कत पहलवानों की है ही नहीं, 200-250 पहलवान सभी रुके, उनका सबका खाना पीने का भंडारे का आयोजन। अगर बात करें मुख्य अतिथि की तो कौन कौन आने वाले मुख्य अतिथि का? कल हमारे यहाँ के सांसद हैं रमा शंकर कठेरिया, SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, विधायक सावित्री कठेरिया, सरता भदौरिया, जिला अध्यक्ष ढाकरे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम शिव महेश दुबे, बब्बू खलीफा जी, रूबी यादव जी, गोल्डन बाबा जी, और भी जितने भी यहाँ क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, कल डिस्ट्रिक्ट जज को भी न्योता दिया, SP/SDM साहब, सभी क्षेत्र के लोग दंगल को देखने हैं। मैं प्रदीप कुमार, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच हूँ, प्रदीप, 2 साल से, पिछले साल 2018 में भारतीय टीम महिलाओं का टीम का कोच रहा था, मैं क्रोशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेके गया था, और इस साल 2019 में मैं बॉयज़ की टीम के साथ था, ग्रीक रोमन कजाकिस्तान में जाने का काम किया। आज की उसी की बात करें तो क्या कुछ विशेष रहा, क्योंकि एक डियर इलाके में दंगल किया जा रहा है, क्या इंटरनेशनल प्लेयर भी खेले या क्या रहा है? बहुत ही अच्छा इन्होंने दंगल करवाने का काम किया है, ये आलोक दुबे जी हैं और भाई साहब हमारे सुरेंद्र जी, काली रामन जी, उन्होंने उनके प्रयास से ये अच्छा दंगल करवा रहे हैं यहाँ पे, इन सुनसान एरिया बोल दिए कैसा भी लगा लो, पहाड़ों के अंदर दंगल करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा दंगल। आज भी इंटरनेशनल कुश्ती हुई है यहाँ पे? हाँ जी, बहुत सारे जो ईरान के जो पहलवान थे, लगभग 3 पहलवानों ने आज अच्छा अपना दमखम दिखाया।
तो क्या लग रहा है अगले साल भी इसी तरह की कुश्ती रहेगी? आप पिछले साल आए थे, उस साल के मुकाबले इस साल कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है आपने? इस साल बहुत अच्छा, इन्होंने जो भाई साहब सुरेंद्र भाई साहब ने जो कदम उठाया है, जो पहले चितपट्टी की कुश्ती होती थी, जो आलोक भाई साहब ने और सुरेंद्र भाई साहब हमारे काली रामन जी, उन्होंने अब की बार जो मिट्टी में तो करवाई है मगर पॉइंटों पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है ना उसी हिसाब से इन्होंने कुश्ती करवाने का काम किया। अब दोस्तों मैंने बताया आपको कि दंगल जो है चंबल केसरी के नाम पर रखा गया था, तो छोटी कुश्तियों के बाद जो मेन कुश्तियाँ थी चंबल केसरी की थी, उनके नाम लिखे गए, वजन लिए गए और उनकी कुश्तियाँ बांधी गई। पहली कुश्ती की रानी और पंजाबी पहलवान के बीच हुई। दोस्तों मिट्टी पर इस कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से कराया गया, यानी पॉइंट पर कराया गया जैसे मैट पर होती है। अब गांव देहात में ये लोगों ने पहली बार ये देखा था, दूर दराज से बहुत से लोग जो थे चितपट की कुश्ती देखने यानी परंपरागत कुश्ती को देखने आए हुए थे, पॉइंट उन्हें समझ में नहीं आए क्योंकि गांव देहातों में कुश्ती तो हजारों हजारों साल से देखी जा रही है, चितपट देखा जा रहा है, पारंपरिक कुश्ती देखी जा रही है। अब लोगों को ये पॉइंट जो है समझ नहीं आया तो दंगल छोड़ के जाने लगे। तो बब्बू खलीफा और उनके कमेटी ने घोषणा की कि भाई यही आखिरी कुश्ती होगी, पॉइंट ये आगे जो है रेगुलर जैसे दंगल होता है वैसे करवाया जाए। दोस्तों जब मैंने क्षेत्रवासियों से बातचीत की तो एक बात भी पता चली कि क्षेत्र के पहलवानों को ज़्यादा मौका नहीं मिला, जिससे वो नाराज भी रहे। लोगों ने बताया कि दंगल में तिवारी जी थोड़ा राजनीतिक मामलों में ज़्यादा उलझ गए, समय खराब हुआ। मैंने देखा कि जब समय खराब हुआ तो लोगों ने शोर बहुत मचाया जिससे बब्बू खलीफा भी बहुत नाराज हुए, फिर वो खुद दंगल में आ गए और अखाड़े में उतरकर कुश्तियाँ करवाने लगे तो मामला संभला। वही दंगल के बाद दंगल के कैशियर तिवारी जी की बेरुखी भी पहलवानों को ठीक नहीं लगी। कई पहलवानों ने बताया कि उनके तय इनाम में कटौती हो गई, कई ने बताया कि उन्हें किराया नहीं मिला, कम मिला। बड़े पहलवानों ने भी मेरे से शिकायत की। इस कमी से दंगल का रंग जरूर फीका पड़ा लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक मेला हुआ, बढ़िया कुश्तियाँ हुई और खेल मेलों में तो कहते हैं ना सब चलता है। और दंगल की आखिरी कुश्ती जिसे चंबल केसरी कुश्ती भी कहा जाएगा, छोटे गन्नी पंजाब के पहलवान थे माने हुए जाने माने और हरियाणा के पहलवान देवा के बीच में हुई। एक मिनट से भी कम टाइम में देवा को चित करके छोटा गन्नी ने एक खिताब अपने नाम करा। बहुत बहुत बधाई पहलवान को। तो दोस्तों ये थी इटावा के चंबल केसरी दंगल की कहानी और इसी तरह और भी कहानियाँ आपको सुनाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आप इसे शेयर करेंगे और कुश्ती के प्रचार प्रसार का काम जो मैं कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।